भटूरे तो आपने घर पे बहुत बनाए होंगे, लेकिन ऐसे फूले फूले घर पे बनाए? बेस्ट बात तो ये है इन भटूरों की, अगर वो सही से बने हो तो देखो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते। और रुको मैं आपको अंदर से खोल के दिखाता हूँ इस गुब्बारे को, है ना, इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही अच्छा। और हाँ, ये बिल्कुल इंस्टेंट भटूरे हैं, तो इसको छोले के साथ बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब मैंने आपको रेस्टोरेंट वाले छोले तो बता दिए, पर यार ये भटूरे रह गए। घर में कुछ भी कर लो, भटूरे में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है, और इंस्टेंटली वो तो कभी नहीं बनते। लेकिन ये रेसिपी देखने के बाद इंस्टेंटली भटूरे बनेंगे, और वो भी एकदम रेस्टोरेंट जैसे। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए जो आपको सामान चाहिए होगा वो ये है, लगभग 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून सूजी आपको चाहिए होगी, 1/4 कप दही, 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 टीस्पून इनो और 1 टीस्पून नमक। देखो मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बताए हैं। और इसके अलावा आपको बस पानी और तेल चाहिए होगा, और बाकी आपका काम पूरा सेट है। तो भटूरे बनाने के लिए हमें सबसे पहले भटूरे का आटा लगाना होगा। अब वैसे तो जो एक्चुअल भटूरे का जो आटा लगाते हैं रेस्टोरेंट वाले, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही लिक्विडी होता है, उसको हम लोग घर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको टैकल करने के लिए, ताकि हम शेप दे पाएं, उसको कंट्रोल कर पाएं, थोड़ा सा नरम आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मैं उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। तो अपने बोल में आप लोग अपने 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून सूजी डालो, नमक डालो, देसी घी डालो और दही डालो, और पहले इन सब चीज़ों को मिलाओ। मैंने अभी इसमें इनो अभी नहीं डाला है, मैं उसको बाद में डालूंगा। पहले हम ये सब चीज़ें मिलाएंगे, फिर आप डालना अपना 1 टीस्पून इनो। और अब सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद आप यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी डालना। पानी आपको जो यूज़ करना है वो है लगभग 3/4 कप, बहुत ज़्यादा पानी मत यूज़ करना है यहाँ पर, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा मत लगाना अभी। बस हमें इतना करना है कि आटा जुड़ जाए अच्छे से, जैसे हम एक नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उतना सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस जब आपका आटा, ये देखो अच्छे से जुड़ जाए, लेकिन थोड़ा सा स्टिकी हो, तो हम इस आटे को अच्छे से मलेंगे। ये देखो आप, मलने से बेसिकली आटा थोड़ा काफ़ी स्ट्रेची होगा, लेकिन क्योंकि हम इसमें इनो यूज़ कर रहे हैं, तो जो इनो का रिएक्शन है वो काफ़ी फास्ट होता है, तो ये आटा इनिशियली बिल्कुल भी स्मूथ होने नहीं वाला। तो अब बस आप इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मलना, और 2 से 3 मिनट में ही आपका आटा सेट हो जाएगा। देखो अगर ये थोड़ा सा स्टिकी है तो आप इसको थोड़ा स्टिकी ही रहने देना, इसमें सूखा आटा एक्स्ट्रा मत लगाना, ना तो आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना तो आटा बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो। अब 2 से 3 मिनट बाद बस आपको लगाना है थोड़ा सा तेल, और ये देखो आटा पूरा जुड़ने लग जाएगा। ये देखो आप, मलने के बाद आटा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है और जुड़ भी गया है। बस आप इस पे थोड़ा सा तेल और लगाओ, और इसको एकदम गीले कपड़े से ढक के रख दो थोड़ी सी गर्म जगह पे, सिर्फ 10 मिनट के लिए। इससे बेसिकली बस ये होगा कि मैदा और जो सूजी है, सूजी थोड़ा फूलेगा, मैदा अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करेगा, और थोड़ी सी फर्मेंटेशन हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम ना गैस ऑन करते हैं और अपने तेल को गर्म होने देते हैं, क्योंकि भटूरे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गर्म तेल चाहिए होता है। और ये देखो 10 मिनट के बाद ही ये देखो आपका आटा कैसे खिंचने लग गया है ना, बिल्कुल भटूरे का आटा बन गया है। तो अब इसकी बॉल्स बनाने के लिए आप यहाँ पर पहले लगाओ थोड़ा सा तेल, ताकि हम आटे के साथ काम कर पाएं, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, तो उसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान देना है बस कि आपको आटे में अच्छे से तेल लगाना है, और बस अपने अंगूठे से और पहली उंगली से ऐसे दबा के आप बॉल्स निकाल लेना। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसे, ये है तरीका, बिल्कुल मार्केट वाले जैसे करते हैं। और इससे बेनिफिट ये होता है, इससे फायदे भी बड़े होते हैं। फायदा ये होता है कि जो आपके आटे की जो लोई बनती है वो बड़ी स्मूथ होती है, उसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं होंगे आपकी। अगर ये भटूरे की जो बॉल है ये स्मूथ होगी, तो जब इसको बेलोगे तो ये पूरी फूलेगी, कहीं पर भी क्रैक्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से इसकी बॉल बनाओगे, तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतनी सारी मेरी लोइयाँ बन गई हैं, और मैंने ये छोटी सी भी बना दी है। तो बस आपको इन बॉल्स पे थोड़ा थोड़ा गरम तेल लगाना है, अपनी छलनी की सहायता से अब इन बॉल्स पे थोड़ा थोड़ा गरम तेल लगाएं, और बस अब तैयार हो जाए भटूरे बनाने के लिए। इतनी फास्ट बनते हैं भटूरे। अब बात आती है भटूरों को बेलने की। भटूरों को बेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको इसका ईजी मेथड बताता हूँ। आप सबसे पहले अपने स्लैब में और पेड़े में अच्छे से गरम तेल लगाना। इजी मेथड यह है कि आप पेड़ा लो, उसको पहले एक डायरेक्शन में बेलना, ज्यादा मत बेलना अभी, तब एक डायरेक्शन में बेलो, इसको पलटो, अब दूसरी डायरेक्शन में लेंथ में बेलो,
इस तरीके से आप भटूरे को बहुत ही आसानी से बेल सकते हो। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो एजेस होती है ना भटूरों की, उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। एजेस थिक होनी चाहिए, एजेस पतली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये देखो आप, शेप भी एकदम इवन है, ओब्लॉन्ग शेप है। और इस तरीके से आप भटूरे को बहुत ही आसानी से बेल सकते हो, आपको ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखो मैं आपको एक दूसरा भी बेल के दिखाता हूँ। सेम मैंने उसी मेथड से किया है कि पहले स्लैब में और पेड़े में थोड़ा सा तेल लगाया है। यहाँ पर सूखे आटे का यूज मत करना आप, नहीं तो आपका तेल बर्बाद हो जाएगा। एक साइड बेली, फिर उसके बाद इसको पलटा, ग्लूटेन की वजह से थोड़ा सा ये छोटा हो गया भटूरा। अब वापस इसको लेंथ में बेला और मैंने एजेस को बिल्कुल भी तंग नहीं किया, और बस सीधा इसको गरम गरम तेल में डालना है। लेकिन एक मिनट, गरम तेल में डालने से पहले आप भटूरे को थोड़ा सा ऐसे लेंथ में खींच लेना, बिल्कुल ऐसे, और बस सीधा जाएगा एक गरम गरम तेल में, 200 डिग्री वाले तेल में। और जो फुलाने का तरीका है वो ये है, पहले आप भटूरों को थोड़ा प्रेस करना, और जैसे ही भटूरा ऊपर आना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर आप गरम गरम तेल डाल देना, तभी भटूरा सही से फूलेगा। ये देखो आप, है ना भटूरा बहुत ही स्टेबल, मतलब फ्राई होने के बाद बिल्कुल भी दब नहीं रहा, बिल्कुल भी इससे हवा नहीं निकल रही। चाहे भटूरा फट भी जाए लेकिन तब भी इसका गुब्बारा नहीं फटेगा, तो मानते हो ना, है ना बिल्कुल बाजार जैसा। अब भटूरे बनाने का सारा सीक्रेट यही है कि तेल होना चाहिए लगभग 200 डिग्री पे, मतलब उतना खोलने वाला तेल होना चाहिए कि उससे धुआं निकल रहा हो। और जैसे ही आप ऊपर से तेल डालोगे भटूरों के ऊपर, तो नीचे भी हाई हीट है, ऊपर भी हाई हीट से जाएगा और एकदम स्टीम अंदर ट्रैप होगी और भटूरे ऐसे फूल जाएगा। और यही मेन सीक्रेट है भटूरे फुलाने का। बस आपको ऐसे ही अपने सारे भटूरे फुलाने हैं सेम इसी मेथड से। मैंने जैसे ही डाला इसको थोड़ा प्रेस किया और फिर उसके ऊपर गरम गरम तेल डाला। अब कई बार ऐसा भी होता है कि भटूरा आपका फूलेगा नहीं, ये देखो आप, मैंने तेल तो डाल रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन ये फूल ही नहीं रहा, बीचों बीच इसके रुके जा रहे। तो उस टाइम पे आप क्या करो, उस टाइम पे आप एकदम से इसको पलटो और फिर दूसरी साइड गरम गरम तेल डालो और उसको फिर फुलाने की कोशिश करो। 90% भटूरा ऐसे फूल ही जाता है। बस कुछ ही बात का आपको ध्यान देना है कि बस टेम्परेचर तेल का बहुत ही गर्म होना चाहिए, और जो एजेस हैं बेलते टाइम भटूरे की वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, वो पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भटूरा फूलेगा नहीं। और बस आपको सारे सीक्रेट्स पता लग गए, आप भी बिल्कुल बाजार जैसा भटूरा घर पर ही बना सकते हो। तो मैंने कहा था ना, 10 मिनट के अंदर अंदर आप बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट भटूरे बना सकते हो बिल्कुल बाजार जैसे। अब कुछ बातों का ध्यान आप ये देना कि अब रिफाइंड ऑयल यूज़ करना या देसी घी यूज़ करना, सरसों का तेल मत यूज़ कर लेना यहाँ पे, और बहुत ही हाई फ्लेम पे पकाना। इसको मैंने आपको बेलना भी आसान कर दिया, भटूरे बनाना भी आसान कर दिया, तो पार्टी तो बिल्कुल बनती है ना। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द बिल्कुल ऐसी एक और वीडियो।